हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई का कंपार्टमेंट और सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म है वो निकला हुआ था, बट उसकी जो लास्ट डेट है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन लेट फीस के साथ अभी भी उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो। हम बात करें अगर हम डेट शीट की कि कंपार्टमेंट या सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का जो एग्जाम है वो कब होना है, तो इसकी भी जो डेट शीट है वो आ चुकी है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात करें अगर हम डेट शीट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024, तो यहाँ पास क्लास 10th और क्लास 12th का दिया हुआ है। चलिए क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पास देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ एक टेंटेटिव डेट शीट क्लास 10th का दिया हुआ है। जिस सब्जेक्ट में आपने कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया था, तो वो डेट आप यहाँ पास से नोट कर लीजिए किस सब्जेक्ट में आपने दिया था, किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, पूरा डेट दिया हुआ है यहाँ पास। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास 12th का, तो क्लास 12th का भी डेट शीट यहाँ दिया हुआ है। ये भी टेंटेटिव डेट शीट है क्लास 12th का। यहाँ पास देखिए, आपको एक ही सब्जेक्ट में फिल करना था, तो आप एक ही डेट में आपका एग्जाम होगा, वो होगा 15 जुलाई का। ठीक है, यानी एक ही दिन एग्जाम होना है, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था जिसमें भी आपका कंपार्टमेंट रहा होगा या इम्प्रूवमेंट के लिए आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो पूरा देखिए, डेट टाइम भी यहाँ पास मेंशन किया गया कि 10:30 से 1:30 बजे का जो है उस समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। तो जो भी आपके एरिया में जो भी नियरेस्ट स्कूल होगा एक कंपार्टमेंट के लिए, वो स्कूल को सेलेक्ट किया जाता है, वहीं पास आपका एग्जाम होगा। जरूरी नहीं था कि जो आपने एग्जाम मेन एग्जाम दिया था उसी सेंटर पे आपका एग्जाम होगा, वहां एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कोई भी एक सेंटर अलॉट होगा जहां पास आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो आप ये माइंड में सेट करके मत रखिए कि जहां पास लास्ट एग्जाम आपने दिया था मेन एग्जाम, वहीं पास आपका सेंटर होगा। ठीक है, वो एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। एडमिट कार्ड में आपका सेंटर का डिटेल रहेगा और साथ साथ जो डेट शीट होती है वो भी रहेगी एग्जैक्ट। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।